मी इंटरनेशनल स्कूल से मेहरुन शर्मा। आज हम संस्कृत में पाठ 11 सुक्ति षटकम नामक पाठ पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सुक्ति षटकम, ठीक है। आज इसमें हम कुछ लोगों के माध्यम से कुछ नीति की जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में समझेंगे। इसमें श्लोक के माध्यम से कुछ अच्छी बातों को जानेंगे। देखते हैं पहला श्लोक, सुखम अपतितम सेव्यम दुखम अपतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। इसमें सुख और दुख के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से हम सुख के आने पर उसका उपभोग करते हैं, उसको अच्छे से भोगते हैं, उसमें हमें कितनी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से दुख के आने पर जब हमारे जीवन में दुख आता है तो उसका उपभोग भी हमें उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से हम सुख का उपभोग करते हैं। सुखम अपतितम, सुख के आने पर हम उसका सेवन करते हैं अर्थात उसका उपभोग करते हैं, उसी प्रकार से दुख के आने पर भी उसका उपभोग करना चाहिए। चक्रवत, चक्रवत अर्थात पहिए की तरह, क्योंकि ये सुख और दुख हमारे जीवन में पहिए की तरह हैं जो कि निरंतर बदलते रहते हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन सुख दुख आते हैं तो इसकी तुलना किसके साथ की गई है, गाड़ी के पहिए के समान। गाड़ी का पहिया लगातार निरंतर घूमता रहता है और ऊपर वाला हिस्सा कभी नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार सुख दुख भी एक हमारे जीवन रूपी गाड़ी के पहिए के समान है। दूसरा श्लोक देखते हैं हम, माता शत्रु पिता वेरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। इसमें हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम अशिक्षित हैं तो हमें कहीं पर भी किसी भी स्थान पर कितनी शर्म महसूस होती है, हमें कितने शर्म का अनुभव होता है, वो इसमें बताया गया है कि शिक्षा हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। माता शत्रु पिता वेरी, वो माता और पिता बच्चों के शत्रु हैं। कौन है? जो बालों न पाठित, जो अपने बालक को अपने बच्चे को अपने संतान को शिक्षा ग्रहण नहीं कराते हैं, उनको नहीं पढ़ाते हैं। माता शत्रु पिता वेरी, वे माता पिता शत्रु हैं बच्चों के जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, वो अनपढ़ बालक जिसको उसके माता पिता ने नहीं पढ़ाया है वह विद्वानों की सभा में अर्थात जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं उसी प्रकार से शोभा नहीं पाता है जिस प्रकार से हंस मध्य बको यथा, उसी प्रकार से शोभा नहीं पाता है जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि पढ़े लिखे के बीच में फिर वो मूर्ख कहलाएगा और जिस प्रकार से जो हंस होते हैं उनके बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है उसी प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति विद्वानों की सभा में शोभा नहीं पाता है। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषिता सर्पः किमसो न भयंकर। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें दुष्ट व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सः, विद्या से अलंकृत होने पर भी जिस व्यक्ति ने पूर्णतः विद्या प्राप्त कर रखी है वो बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति है, लेकिन अगर वह व्यक्ति स्वभाव से दुष्ट है, स्वार्थी है, उसका स्वभाव दुष्ट है तो वो व्यक्ति त्याग देने योग्य होता है। अगर कोई दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है तो आप उसको त्याग दीजिए चाहे वो विद्या से सुशोभित हो। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मणिना भूषिता सर्प किमसो न भयंकर, क्यों? क्योंकि मणियों से आभूषित होने पर भी क्या सर्प भयंकर नहीं होता है? क्या वो अपने विष को छोड़ना नहीं भूलता है, वो अपने स्वभाव को नहीं भूलता? नहीं, मणि से विभूषित होने पर भी वो सर्प बहुत ही भयंकर होता है। तो विद्या से अलंकृत होने पर भी हमें दुष्ट व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि क्या मणि से सुशोभित होने पर भी वो सर्प भयंकर नहीं होता, वो अपने व्यवहार को नहीं छोड़ता है। देखिए जो नेक्स्ट अगला श्लोक है उसमें धन के बारे में बताया गया है कि धन की तीन गतियां होती है, दानं भोगो नाश तिस्त्रतयो गतय भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गतियां बताई गई है। दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गतियां हैं।
यो न ददाति, जो व्यक्ति जो मनुष्य न दान देता है न उसका भोग करता है तो उसके धन की तीसरी ही गति हो जाती है, अर्थात उस धन का नाश हो जाता है। क्योंकि कोई भी वस्तु होती है तो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर वो नाश की तरफ ही जाएगी, उसका सर्वनाश ही हो जाएगा। तो दान, भोग और नाश, ये धन की तीन गतियां बताई गई है। वित्तस्य अर्थात धन होता है, धन की तीन गतियां बताई गई है। जो व्यक्ति न दान देता है न उसका उपभोग करता है तो उसकी तीसरी गति क्या हो जाती है, तीसरी अवस्था नाश, उसका सर्वनाश हो जाता है। यस्मिन देशे न सम्मानो न वर्ति न च बांधवा न च विद्यागम कश्चित तम देश परिवर्जते। देखिए इसमें बताया गया है कि यस्मिन देशे, जिस देश में, देश से अर्थात यहाँ जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, कोई भी स्थान है, जो भी प्रदेश है या जो भी देश है, आप जिस देश में न सम्माने, न सम्मानो, न सम्माने, न वर्तिना, वर्तिना मतलब होता है जीविका, आपकी आजीविका जो आप कमा रहे हैं, न जीविका है च बांधुवा, और न ही आपके मित्र भाई बंधु है, आपके हितेशी आपके रिश्तेदार रहते हैं, न च विद्यागम, और न ही वहां पर कोई विद्या अर्जन का, विद्या प्राप्ति का कोई साधन है। तम देशम परिवर्जते, ऐसे स्थान को त्याग देना ही श्रेष्ठ होता है, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे जीवन में निरर्थक है, वो स्थान कोई मतलब नहीं है उस स्थान पर रहने का। एक बार फिर से देखिए, जिस देश में न सम्मान है, न आजीविका है, और न ही आपके भाई बंधु रहते हैं, और न विद्या प्राप्ति का कोई साधन है, ऐसे स्थान को त्याग देना ही श्रेष्ठ होता है। अंतिम देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरियत घट स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। देखिए, प्रयास करने से, निरंतर प्रयास करने से तो घड़ा भी भर जाता है, तो भी हम निरंतर धीरे धीरे प्रयास करने से हमारे जीवन में क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब हर व्यक्ति कोई भी निरंतर धीरे धीरे से प्रयास करेगा तो उसको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो कि उसे एक बार के प्रयास में सफल प्राप्त नहीं होगा। तो जल बिंदु निपातेन, लगातार बूंद बूंद गिरने से तो घड़ा भी भर जाता है। स हेतु, ये क्या है, सभी विद्याओं को, धर्म को और धन को प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि हम लगातार धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो हम विद्या को भी प्राप्त कर सकते हैं, धर्म को भी और धन को भी, ये सब इसका ही एक वृत्ति है प्राप्त करने की। थैंक यू।